So with this, we have our last panelist of the day, and he is basically an environmental social activist, Mr. Devender Sura. Mr. Devender Sura is an environmental social activist and widely known as Tree Man in Haryana, and is followed by many youths. He possesses masters in social work from IGNOU and presently working with Chandigarh Police. He has inspired officials from his own department and engage them in plantation drives. He has planted more than 1.5 lakh trees to his credit and utilized much of his savings in developing a nursery at his native place for preparing plant saplings. He has been awarded as a climate activist by the Climate Reality Project India and APSWDP in 2017 at Chandigarh. He has also been recognized by the Chief Minister Haryana and awarded state award by चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। मिस्टर देवेंद्र सूरा, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि आप हम सबको अपनी स्टोरीज के थ्रू प्रोत्साहित कीजिए कि हम भी एनवायरनमेंट की तरफ अपने इनिशिएटिव्स और बढ़ाएं। सो देवेंद्र सूरा जी, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके कुछ अपनी स्टोरी शेयर कीजिए प्लीज। मेरा सभी को नमस्कार। जो आज काफी आज जो पूरे विश्व में समस्या, जो पर्यावरण की समस्या है, उसको लेकर आज जो ये मीटिंग आपने की है, जो बुद्धिजीवी लोगों को शामिल किया है, जो हर क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम करते हैं। तो मेरा नाम देवेंद्र सूरा है और मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ। और 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में मैं भर्ती हुआ, तो वहाँ की जो, जैसे गांव में जो देहात में होता है, तो भाई यहाँ इतना वो नहीं होता, ना इतनी जागरूकता होती है गांव में। लेकिन जो यहाँ की हरियाली से प्रभावित होकर जो कार्बूजियर ने इस शहर को बसाया था, एक प्लानिंग सिटी है चंडीगढ़, और प्लान से इसको, इसमें बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं, जैसे पिलखन के पेड़ हैं, अपना अर्जुन के पेड़ हैं, इसी तरह पूरी एक लाइनबंद तरीके से एक पेड़ लगाए गए हैं। सेक्टर 36 में औषधीय है, हरड़ बहेड़ा आंवले के पेड़ हैं। तो मैंने वहां चंडीगढ़ से प्रभावित होकर, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न, निजी काम तो सभी करते हैं, जैसे अपना नौकरी की है या बच्चे पालन पोषण किया है, अपनी गाड़ी ली है, इसके अलावा हमारा कर्तव्य ये बनता है हम अपने समाज के लिए और देश के लिए क्या करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2011 में जब भर्ती हुआ चंडीगढ़ पुलिस में, वहां की हरियाली से प्रभावित होकर और हरियाणा में सोनीपत जिले से इस मुहिम को शुरुआत की थी। और आज अभी मैं नर्सरी में ही हूँ। हरियाणा पर्यावरण मंत्री अभी लेट हो रखे हैं, वो यहीं आने थे, नहीं मीटिंग में भी उनको जरूर जोड़ते हम। तो उसी माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये लक्ष्य है मैं कुछ ना कुछ अपनी प्रकृति के लिए, देश के लिए कुछ करके जाऊं। और 2011 से मैंने इस मुहिम को शुरू कर रखा है, और मास्टर ऑफ सोशल वर्क की तो विवेक त्रिवेदी सर मिले, उनसे भी काफी प्रभावित है हम, जो उन्होंने बात बताया, जैसे किस तरह हमें अपने जीवन में निजी स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे बढ़ते गए, युवा साथी जुड़ते गए, आज 10,000 से ज्यादा पर्यावरण मित्र जो गाँव गाँव में टीम बनाते हैं, क्योंकि पेड़ लगाना तो आसान है, उसको बड़ा रूप देना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए पहले टीम बनाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए और उसके पूरे अपना पानी के लिए व्यवस्थित करते हैं। और 2020 में हमने जो मुहिम चलाई है ऑक्सीजन बाग, ऑक्सीजन बाग क्या है, हमने अब तक 8 ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, क्योंकि लोग क्या है, अमरूद का बाग, बड़बेरी का, नींबू का, ये बाग सुने होंगे, लेकिन ऑक्सीजन बाग का जो काम होता है वो होता है उसमें पूर्ण रूप से पक्षियों के लिए, मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए, गौ माता के लिए, मतलब एक संतुलन, प्रकृति का संतुलन हर जीव जंतु के लिए। वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा होती है। हरियाणा में 8 ऑक्सीजन बाग बनाए अन्य अलग अलग जिलों में, और अभी नर्सरी भी बना रखी है सोनीपत में, जिसमें 40 से 50 हजार पेड़ हर वर्ष सेवा भाव से वॉलंटियर तैयार करते हैं। काफी बुद्धिजीवी लोग, काफी एजुकेशन में लगा लो या बड़े बड़े अधिकारी आज इस मीटिंग से जुड़े हैं। तो मैं ज्यादा करे सीखता ही हूँ, क्योंकि विवेक त्रिवेदी सर है और अन्य जो इनके फ्रेंड हैं उनसे मिलता रहता हूँ, और जो अन्य अधिकारी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप जो ये मीटिंगें होती हैं, हम ज्यादा अगर मीटिंगें, अब तो ऑनलाइन है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एसी में मीटिंग करते हैं, इस तरह मीटिंग करते हैं, लेकिन
अगर हम ये मीटिंग वृक्षों के नीचे करेंगे तभी हम इस महत्व को समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे अपना सर्वे भी आया हुआ था बाहर की यूनिवर्सिटी का, जर्मनी का, उसमें यह आया हुआ था भाई जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके पास पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो उनका मानसिक विकास भी अधिक होगा और उनकी वृद्धि भी अच्छी होगी। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आस पास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और अब तक लड़के लड़कियां मिला के जो वॉलंटियर नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नर्सरी के माध्यम से ही ये पूरी बड़ी नर्सरी है और इस नर्सरी में आप ये लगा लो अब 42,000 पेड़ प्रेजेंट में है जिसमें आप देख सकते हो। तो ये पेड़ हमने स्वयं पर्यावरण मित्रों ने अपनी मेहनत से तैयार किया और काफी बड़ी ये पूरी बड़ी नर्सरी है। इसमें पीपल के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, औषधीय वृक्ष हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। तो इस तरह से मतलब फलदार भी, औषधि के भी और छायादार भी हर तरह के इसमें वृक्ष हैं। और इस तरह की नर्सरियां हम पूरे हरियाणा में और पूरे मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है अगर व्यक्ति चाहे तो मैं आपको यही तक एक छोटा सा सिपाही जब इतना कर सकता है तो एक बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और बड़े बड़े पदों के व्यक्ति होते हैं। तो हमें आप सबसे यही आशा करता हूँ कि आप एक धरातल स्तर पर पर्यावरण से जुड़ो, पर्यावरण में कुछ करके दिखाओ, क्योंकि मोटिवेशन तो हम हो जाते हैं जब लोग बोलते हैं, लेकिन जो ग्राउंड स्तर पर काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आज हम भौतिकवाद की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगा खड़ी कर रहे हैं, आर्थिक स्तर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसी के चलते हम जो हमारा सामाजिक विकास है उसमें हम मानसिक विकास है उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये बिल्डिंगे हैं और ये गहने हैं या पैसा है वो किस चीज के काम आएंगे जो हमारा, अगर हम गुलामी के एक प्रदूषण की गुलामी के कारण अपनी घुटन महसूस कर रहे हैं, जैसे कभी कैंसर इसके पर्यावरण खराब होने के कारण अस्थमा है, कैंसर है, हार्ट अटैक है। पीछे दिल्ली में काफी सर्वे के बाद शोध हुआ था कि इसमें अपना ज्यादातर प्रदूषण की वजह से हमारी आयु भी कम होती है, लेकिन साधारण हाँ तरीका है अगर हम हमारी आयु ही कम हो जाएगी तो हम किसके लिए ये पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां ले रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट ले रहे हैं। जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है उससे हम थोड़ा बाहर आए और वास्तविक रूप से प्रकृति से जुड़े और अपना एक साधारण व्यक्तित्व से जीवन जिए, क्योंकि एक राष्ट्र के लिए जो प्रेम भाव होना चाहिए वास्तविक रूप से होना चाहिए। मैं आप सबसे आशा करता हूँ इस अभियान को, जो ये पेड़ किसी का नहीं है, पेड़ हर व्यक्ति का है, इसको एक जन आंदोलन का नाम दें, क्योंकि हर व्यक्ति, हर संस्था, मतलब कोई भी इसको ये ना माने पेड़ मेरा है या उसका है, क्योंकि इसको एक जन आंदोलन का रूप दें। घर में छोटा पौधा लगाएं, औषधीय पौधा लगाएं। आज कोरोना के समय जो औषधीय पौधे ज्यादा, अगर तुलसी, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी या अन्य अपना त्रिफला के पौधे हैं उनको महत्व दिया गया है, कोविड वाटिका बनाई गई है, मतलब किसी न किसी तरह से मतलब पेड़ से जुड़े, एक पेड़ राष्ट्र के नाम अभियान, मतलब बेटी के नाम पौधारोपण, हर जन्मदिन पर पौधारोपण, मतलब इसको जुड़ाव में ले, इससे वास्तविक रूप से जुड़े। अगर आपको काफी लंबा समय हो जाएगा पेड़ लगाते लगाते, आपको महसूस होगा अब हम पेड़ हमारे से बात करते हैं। हमारे विषय हैं राजेंद्र जी अनायत मुरथल यूनिवर्सिटी में, वो पेड़ों से बात करते हैं, उनका काफी जुड़ाव है, बड़ा पद होने के बाद उनका साधारण व्यक्तित्व है। मैं ऐसे व्यक्तियों से काफी प्रभावित होता हूँ और मेरे को जैसे पता चला, सर ने बताया था अलग अलग आपके बारे में कौन कौन जुड़ रहा है, तो आपसे काफी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी बातें सुनकर मैं काफी प्रभावित हुआ और मैं आगे भविष्य में जैसे ही नॉर्मल स्थिति होता है आप सब से जैसे मीटिंग होती है बड़ा ही अच्छा लगेगा। जो मेरे को नमस्ते, सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू देवेंद्र जी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने जिस तरह से दिखाया कि आपने किस तरह के पेड़ और कितनी चीजें अपनी जिंदगी में की हैं जिससे आपको खुद भी खुशी मिलती है और पर्यावरण की संरक्षण भी आप करते हैं उसमें, और मेरे को उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद हम भी कहीं ना कहीं वो मुहिम को, आपकी जो आपने शुरू की है, कहीं ना कहीं उस चीज में हम जरूर सारे कंट्रीब्यूट करेंगे।